हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम ये है, इफ साइन ए इक्वल साइन बी देन एंगल ए इक्वल एंगल बी। सिमिलरली इफ कॉस ए इक्वल कॉस बी देन एंगल ए इक्वल एंगल बी। ऑल्सो इफ टैन ए इक्वल टैन बी देन एंगल ए इक्वल एंगल बी, वेयर एंगल ए एंड बी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम होता है अगर एंगल सेम हो तो, जैसा इसके पहले वाले थ्योरम में आपने पढ़ा था। यहाँ पे उसी का कन्वर्स है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उसके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। इस बात को आज मैं प्रूफ करूंगा। दो तरीकों से इसमें हो सकता है, एक एंगल ए और एंगल बी दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में हो सकते हैं, या फिर दोनों एंगल सेम ट्रायंगल में। यहां पर जो है एंगल ए और एंगल बी सेम ट्रायंगल में लेना है, वो है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए, आज हम प्रूफ करते हैं इसको कि अगर साइन ए इक्वल साइन बी हो तो डेफिनेटली एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जो ट्रायंगल दिया हुआ है नेमिंग ए बी सी। ये एंगल ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, लिखते हैं गिवेन ट्रायंगल ए बी सी इन विच साइन ए इक्वल साइन बी, इन विच साइन ए इक्वल साइन बी। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए इक्वल एंगल बी कंस्ट्रक्शन करना हो। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सी डी। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सी डी लिखते हैं, सी डी परपेंडिकुलर ए बी। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट होता है, ये प्रूफ हम लोग यहां पर नहीं लिख करके, इसको हम लोग लिखते हैं गिवेन में ही, एक सीधे हो जाएगा। गिवेन ट्रायंगल ए बी सी इन विच साइन ए इक्वल साइन बी, टू प्रूफ एंगल ए इक्वल एंगल बी कंस्ट्रक्शन सी डी परपेंडिकुलर ए बी। नाउ प्रूफ, प्रूफ के लिए कंसीडर करते हैं दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। दिख रहा है आपको ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल हुआ, और दूसरा ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी ये ट्रायंगल हुआ। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो दिया हुआ है साइन ए इक्वल साइन बी, ठीक है, ये गिवन है साइन ए इक्वल साइन बी। अब यहां से साइन ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस।
तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी डी, और हाइपोटेनस ए सी। तो साइन ए को हम लोग यहां लिख देते हैं सी डी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहां पे लिख देते हैं, सिंस साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बी वाई एच। उसी तरह से साइन बी का वैल्यू क्या होगा, तो साइन बी के लिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी, बी के लिए परपेंडिकुलर सी डी और हाइपोटेनस बी सी, तो साइन बी इक्वल हो जाएगा सी डी बाई हाइपोटेनस बी सी। अब ये सी डी और सी डी कैंसल, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी इक्वल बी सी, ये आ गया ए सी इक्वल बी सी। और आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहां से मेरा आ जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल बी। रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल प्रूफ। ये प्रूफ करना था ना हम लोग को, प्रूफ करना था कि अगर साइन ए इक्वल साइन बी हो तो एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा, और यहां हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल जो है बी डी सी, दोनों ट्रायंगल में कंपेरिजन किया। कंपेयर करने पर देखे क्या, साइन ए इक्वल टू साइन बी ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू साइन बी ये हो जाएगा आपका गिवन, और साइन ए का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी वाई एच, तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया सी डी इस ट्रायंगल में, और हाइपोटेनस ए सी, तो साइन ए इक्वल हमने लिख दिया सी डी बाई ए सी, और साइन बी का वैल्यू इस ट्रायंगल में आएगा तो बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया सी डी, और हाइपोटेनस बी सी, तो साइन बी का वैल्यू हो गया सी डी बाई बी सी, और सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए सी इक्वल बी सी, और ए सी इक्वल जब बी सी हो गया तो दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए ए सी का सामने का एंगल बी और बी सी का सामने का एंगल ए क्या हुआ, इक्वल हो गया, इसलिए हो गया हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन हमने लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इस तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर हमको प्रूफ करना है कॉस ए इक्वल कॉस बी, ठीक है, तो कॉस ए इक्वल कॉस बी अगर प्रूफ करना हो तो उसके लिए भी हम लोग इसी ट्रायंगल में आराम से प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ भी चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग बता देते हैं। सेकेंड प्रूफ करने के लिए क्या होगा, हम लोग को लेना होगा एक ट्रायंगल एबीसी, गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच कॉस ए इक्वल कॉस बी, ठीक है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल एंगल बी। अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन वही है सी डी परपेंडिकुलर ए बी। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में लिखते हैं सिंस कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया हुआ है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर बी। और इसके पहले आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां भी जो है कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी।
तो यहां वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहां पे हमारा जो है फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए इक्वल साइन बी। और जैसा हमने पहले वाले थ्योरम में प्रूफ किया था कि अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी है तो एंगल ए इक्वल क्या होगा, एंगल बी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जैसा हमने फर्स्ट प्रूफ से किए थे, है ना, यूजिंग फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा यूजिंग फर्स्ट, जैसा हमने फर्स्ट प्रूफ किया था, इस तरह से जो है हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। अगर डायरेक्ट इसे अगर करना होगा तो फिर साइन ए इक्वल टू साइन बी से जो इसके पहले वाले प्रूफ को बताए थे वहां से फिर आगे कंटिन्यू कर देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। इस तरह से हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रूफ का यूज करते हुए। नंबर थ्री, थर्ड अगर प्रूफ करना हो तो एक इजी वे है, अगर साइन इक्वल टू साइन बी है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए, उसको हम लोग उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ नंबर थ्री। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, टू प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कंस्ट्रक्शन सी डी परपेंडिकुलर ए बी, प्रूफ में आते हैं तो सिंस कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बी का हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा साइन ए इक्वल साइन बी। ठीक है, स्क्वायर भी दोनों से हटा सकते हैं, और अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी हो तो फर्स्ट में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी, इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ करने के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को यूज कर सकते हैं, और वहीं से हमारा ये आ गया प्रूफ नंबर थ्री। दूसरा तरीका भी है इसको प्रूफ करने का, लेकिन पहले हम लोग इसको फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके प्रूफ करके आपको बताते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इन विच टैन ए इक्वल टैन बी, टू प्रूफ एंगल ए इक्वल एंगल बी, जो भी परपेंडिकुलर है रहेगा ही, प्रूफ में आते हैं, देखेंगे बी नो दैट साइन ए इक्वल साइन बी और कॉस ए इक्वल कॉस बी, बट यहां पे गिवन क्या है टैन ए इक्वल टैन बी, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो है हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इसका फॉर्मूला, ऑलरेडी ये दिया ही हुआ है तो गिवन में ही आ जाएगा टैन ए इक्वल टैन बी, लिखते हैं टैन ए इक्वल टैन बी, ये क्या है आपका गिवन, ये हो गया। अब यहां से टैन ए का अगर वैल्यू लेते हैं तो टैन ए इक्वल क्या है, टैन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया सी डी, तो टैन ए को लिखेंगे सी डी बाई ए डी, और टैन बी है ना तो टैन बी का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी के लिए हो जाएगा सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी, ऑल्सो एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी डी सी इक्वल 90 डिग्री। यहां पे आप देख सकते हैं एंगल ए डी सी का वैल्यू 90 है और बी डी सी का वैल्यू 90 है, तो ज्योमेट्री का एक थ्योरम है सिमिलैरिटी के लिए, वो है एस ए एस, एस ए एस सिमिलैरिटी कहता है कि अगर दो ट्रायंगल का दो साइड प्रोपोर्शनल हो और उसका इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो
तो साइड एंगल साइड सिमिलरी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यहां भी वही हो रहा है, एडी सीडी बाई एडी, सीडी बाई एडी इक्वल सीडी बाई बीडी, यानी कि इस ट्रायंगल का दो साइड और इस ट्रायंगल का दो साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, और इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है, जो कि 90 डिग्री है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। हेंस एंगल, हेंस एंगल ए इक्वल एंगल बी। यहां पे हम लिख देंगे बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी। फिर से इसको देख लेते हैं थर्ड वाले प्रूफ। थर्ड वाले प्रूफ में क्या है, गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच टैन ए इक्वल टू टैन बी। प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी, कंस्ट्रक्शन सीडी परपेंडिकुलर एबी। प्रूफ में आते हैं, सिंस टैन ए इक्वल टू टैन बी और टैन ए इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया सीडी और बेस हो गया एडी, तो सीडी बाई एडी और टैन बी में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया सीडी और बेस हो गया बीडी, तो ये दो साइड का रेशियो सेम हो गया। और ऑल्सो एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी डी सी, बी डी सी इक्वल 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हुआ किससे, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी। प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अगर सेम आता है तो उसके डेफिनेटली एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा ही बाकी के अदर तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में लागू होगा। ये हमने एक ही ट्रायंगल में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर वो ट्रायंगल अलग अलग हो, एंगल अलग अलग हो, तब भी क्या ये थ्योरम लागू होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे।